था कि कौन सा बैंक लीगल है कौन सा इलीगल है। लीगल फ्रेमवर्क ने बैंकिंग प्रोसेस जो है उसको डिटेक्ट करेगा, जो लीगल प्रोसेस है वो आपके सामने उस टाइम पे पेश हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं, ये ऐसा है, आपने किस में डालना है, किस कौन से अकाउंट में डालना है, वो आपके सामने आ जाएगा सारा का सारा। वो एक वे नहीं होगा, बहुत सारे वेज है। आप अगर बिटकॉइन में लेने जाते हैं बिटकॉइन का भी आ जाएगा कि यस ये चीज़ें बिटकॉइन की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घबराइए मत, वहाँ पे सारा कुछ लिंक्ड होगा। आपका अकाउंट है वो लीगल है तो आप जहाँ मर्जी पैसे डाल, सिंपल। गुड मॉर्निंग मिस्टर डिलन सर एंड ऑल जीनियस गो फाउंडर्स, कल महीने 2:19 PM को इंटरनेट द्वारा 9 क्या ये इंटरनेट द्वारा होगा 9086 रेफरेंस नंबर जो भी दिया है रिजर्व पे में को पेमेंट ट्रांसफर किया, लेकिन अभी तक मेल आया नहीं, तो आईडी एक्टिव कैसे होगी? मैंने सुना है कि आज आखिरी मौका है। आप आए हो, वेरी गुड, आपके लिए आखिरी मौका नहीं है, समझो डिफरेंस समझो। मैं आपको सबको ये डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। पेंडिंग आईडीज वो हैं जो 6 महीने पुरानी है, ओके। आज से अक्टूबर से 6 महीने पीछे चल जाओ, कितना अप्रैल जितनी भी हैं, मार्च की, फरवरी की, जनवरी की, दिसंबर लास्ट की, वो सारी उड़ने वाली है। आप लोगों की जो अभी आ रहे हैं या 6 महीने पहले भी आए, जो अप्रैल एंड में या मई में भी आपकी आईडी नंबर आपने पे नहीं किया है, वो वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही, ओके, पहली बात। दूसरी बात है, आपका जो टाइम एंड डेट स्टैम्प वहां डल गया है ना, आपकी चाहे पेमेंट नहीं क्लियर हुई है या हो जाएगी जो भी है, वही रहेगा, वो आपको इस डेडलाइन से कोई भी लेना देना नहीं, घबराइए, ठीक है ना। सर उसके पहले एक क्वेश्चन था कि ये आपने अभी 90 डेज बोला, वो 90 डेज है सॉरी 6 महीना है या 90 डेज है? जो पेंडिंग वाली है, बिकॉज मेरे अंडरस्टैंडिंग से 90 डेज, सॉरी यस 90 डेज, या 90 डेज, आज रात 12 बजे के बाद डिलीट हो जाएगी क्या? उसका आंसर हो गया, ओके। हाउ टू कंफर्म, इसको मैं आपको ये भी बताना, 12 जो है मिडनाइट संडे आपका नहीं है, ईस्टर्न टाइम का है, ओके। सो रफली आपका जो भी फॉर एग्जांपल कितने 11 बजे जो भी बजे मंडे 12 बजे तक, तो वहां से आप ईस्टर्न टाइम अपने कंप्यूटर में डाल के देखिए, अपने मोबाइल में देखिए, ईस्टर्न टाइम के 12 बजे है, ओके, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल रात जब आपके 12 इंडिया में होंगे तो शायद बंद होंगे, नहीं, तब भी आपके चलती रहनी, आई थिंक सुबह 8-9 बजे जब होंगे आपके सोमवार के, तब वो 12 midnight होगा यहाँ पे अपना न्यूयॉर्क ईस्टर्न टाइम, स्टिल जब आप सुबह उठोगे तब तक वो चल रहा होगा प्रोसेस। तो ये थोड़ा आप टाइमिंग का ध्यान में रखिए कि 12 midnight ईस्टर्न है वो जी। सर हाउ टू कन्वर्ट डॉलर इनटू इंडियन रुपी? बोले वो तो इंडिया में जब आप विड्रॉल करोगे तो डेफिनेटली, देखिए आप समझो सिस्टम को, वहाँ लास्ट वेबिनार में भी ऐश ने बताया था, वहाँ पे जो आपको आपके पैसे दिखने वाले हैं वो भी काफी एक डिजिटल फॉर्म में ही दिखने वाले हैं, वहाँ पे आपको शो हो सकता है डॉलर भी ना दिखने वहाँ पे, ठीक है, वो एक कुछ डिजिटल फॉर्म है वहाँ पे वो आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप करोगे, आपको जैसे पहले बताया कि आपका जो सारा वहाँ लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल सिस्टम है, जो बैंकिंग प्रोसेस चल रहा है वो किस में चल रहा है? INR में चल रहा है, ओके, इंडियन रुपी में ही चल रहा है वो, ना कि US डॉलर में चल रहा है। तो जब आप ट्रांसफर करोगे आपको वो वहीं पे आपको इंडियन रुपी में मिलनी है। दूसरी बात, अगर आपको US डॉलर में ही लेने हैं तो आप अपने बैंक में जाइए, वहाँ पे US डॉलर अकाउंट खुलवाइए, खुल जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप US डॉलर में भी ले सकते हैं, सिंपल है, ये कोई बड़ी बात, आपको बैंक से अपना US डॉलर अकाउंट खुलवा, कोई ले लो क्वेश्चंस प्लीज। फिर से बोलिए, एक मिनट, आवाज कट गई थी।
सर अभी सेकेंडरी फाउंडर कभी स्टार्ट होगा और सेकेंडरी फाउंडर कब तक रहेगा? दिस इज मिस्टर गणेश जायसवाल। गणेश जी ऐसा है, ये अब मतलब कि 11 तारीख के बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। ओके, जैसे ही अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, मे बी 24 आवर या 48 आवर्स, लगभग एक दिन या दो दिन आपको दिया जाएगा गैप। यस, अगर फॉर एग्जांपल आज 11 तारीख या 12 तारीख है तो बताया जाएगा कि 14 तारीख या 15 तारीख से सॉफ्ट लॉन्च शुरू हो रही है, उस दिन ही ये जो 149 वाला शुरू हो जाएगा, 97 खत्म हो जाएगा। और आपने पूछा कब तक चलेगा, लॉन्चिंग तक चलेगा। ओके, ये जो प्रोसेस है सेकेंडरी फाउंडर का, वो लॉन्चिंग तक चलेगा। बी यादव भीलवाड़ा राजस्थान से, सभी फाउंडर को व लीडर्स को जब मेरा प्रश्न है, जो आईडी अनपेड है उनकी जगह क्या नहीं मेल रजिस्ट्रेशन की जा सकती है तो कैसे कराए बताए। सेकेंड पॉइंट है जो अभी क्या, और एक पॉइंट है जो गलत आईडी से रजिस्ट्रेशन हो गई परंतु मेल वेरीफाई नहीं हुआ, वो भी अनपेड बोल रहे हैं, उन्हें कैसे हटाएं? पता नहीं मैं पहला सवाल भूल गया, क्या था पहला क्या था क्वेश्चन का? पहला उनका ये है कि उनकी जगह नया मेल रजिस्ट्रेशन, मतलब मेरी प्रश्न है कि जो आईडी अनपेड है उनकी जगह क्या नई मेल रजिस्ट्रेशन की जा सकती है? जैसे अभी वही हो रहा है ना, देखो ये जो पेंडिंग वाली थी ना, ये वही आईडीज हैं। ओके, जो अनपेड थी रजिस्टर्ड होगी, अनपेड थी, ये उसी वो आईडीज ही एक्चुअल में वो मतलब की हो रही है। ओके, अब ये तो अभी हो गया, मगर अब इसके बाद क्या होगा, जो रजिस्टर्ड है मगर पेड नहीं है, अब उसकी अगर आपने ईमेल चेंज करवानी है तो डेफिनेटली वो सपोर्ट को लिखना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर है उनका? पहली बात तो ये है, सपोर्ट को सीधा लिखो कि इस नाम से ये मेरी रजिस्टर्ड है बट इसमें मैं ये ईमेल डालना चाहता हूँ, तो आपको बिना पेड ही वो रजिस्टर्ड पहले वहाँ पे ईमेल चेंज हो जाएगी और उसके बाद आप पे कर सकते हो, मे बी ये प्रोसीजर होगा। मगर अभी तक तो ऐसा था कि पे करो, आईडी ग्रीन हो गई तो उसके बाद आप सपोर्ट में डालो कि मेरी ईमेल चेंज करो, तो सपोर्ट वाले ईमेल चेंज कर देते। नहीं सर, वो जुलाई के बाद वाला आईडी होगा सर, लोग ये भी पूछ रहे हैं जुलाई मतलब अभी का आईडी रहेगा सर, जो 2-3 महीने पहले का, और अगर उसका ईमेल आईडी चेंज करने का तो विदाउट पेमेंट आईडी चेंज होगा सर? नहीं अभी तक तो नहीं हो रहा, पहली बार मैं वही कह रहा हूँ ना कि नहीं हो रहा, बट स्टिल अगर आप सपोर्ट पे लिखो यस, अगर ऐसा कुछ हो रहा है मे बी वो सपोर्ट आपकी हेल्प कर सकते, वो आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि यस ये हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे सपोर्ट पे ईमेल डाल रहे हो और बैक में रिवर्ट में आपको कोई जवाब नहीं आया, ओके, या वहाँ आपके आपका वो नंबर नहीं जनरेट, तो इट मीन्स ये समझो कि उनको आपकी ईमेल नहीं मिली, ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपकी ईमेल नहीं मिली है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी जो ईमेल्स हैं वो गलत ढंग से बनी हुई है, बेसिकली जब बनाने में उन्हें आपकी तरफ से सही है वो नहीं कर, जब बना रहे थे वहाँ पे सिस्टम में एरर या कुछ आपके ईमेल में आया हुआ है, इसलिए वो डिलीवर नहीं हो पा रही है। ओके, तो अगर आपको बैक में नहीं कुछ आ रहा वो फोटो की तरफ में, थैंक्स यस वी हैव गॉट योर ईमेल और जो भी कुछ होता नहीं आ रहा, इट मीन्स आपकी ईमेल वहाँ डिलीवरी नहीं हुई, इसलिए आप वेट करते रहोगे तो मगर कभी कुछ होगी। उसका दूसरा ये है कि आप देखिए चेक करिए, नहीं आई तो आप support@gofund.net अपनी ईमेल से ही, ये वाली ईमेल विदाउट गोइंग इन टू बैक ऑफिस, आप बाहर से ही वो डालो तो फिर मिल जाए। सर एक सवाल मेरे व्हाट्सएप पे आया है, दिनेश जी प्लीज इंटरप्ट कर दो आपको, सॉरी। अरे नो प्रॉब्लम, 90 दिन पुरानी आईडी है क्या उसको मैं आज क्रिप्टो से पे कर सकता हूँ? क्योंकि बिल्कुल कर सकते हो, एक्टिवेट होने में 48-72 घंटे लग जाएंगे, वो कोई बात नहीं, जब आपने पे करिया सिस्टम को मालूम है कि आपने कितने बजे पे किया, क्या किया है, आप करिए जल्दी करिए। एक्चुअली जस्ट एक मेंशन करना चाहता हूँ कि आपने
दो आई थिंक एक दो क्वेश्चन पहले आपने वो 24 आवर्स और 48 आवर्स विंडो का बात किया था, इंडियन फाउंडर्स को उतना ही बताना चाहता हूँ कि वो एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि हम लाइक मे बी नहीं तो रॉन्गली सर्कुलेट हो जाएगा कि 14 को चालू हो रहा है या वॉट एवर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंडिंग फाउंडर्स खत्म होने के बाद जब ये अनाउंस करेंगे उसके बाद 24 या 48 आवर्स देंगे और उसके बाद सॉफ्ट लॉन्च चालू होगा। यस नील, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला। मैं बार बार आप सब जितने हमारे इंडियन फाउंडर्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बट उसके साथ साथ बहुत कुछ कंफ्यूजन भी आप लोगों के मन में हो रहा है। आई डोंट नो कैसे हो रहा है, पता नहीं, मे बी शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, ये हो सकता है, उसमें कोई हम आपको दोष नहीं दे सकते, नो डाउट, किसी को इंग्लिश आती है किसी को नहीं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट स्टिल एट द सेम टाइम किसी भी अफवाह पे, किसी भी रूमर पे आप अपना दिमाग मत लगाइए, जब तक कि आपको या तो वेबिनार में हमारी जो टीमें हैं डेली आपको वेबिनार करती हैं वो ना कन्फर्म कर दें, या जो कंपनी का वेबिनार होता है आप आइए उसमें, अगर ऐश कन्फर्म कर रहा है फिर मानिए उसको। ये जो जितनी भी यूट्यूब वाले